नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में। जांजगीर चांपा जिले के डबरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुटीडी में महिला कमांडो के दो महिलाओं के ऊपर गांव के ही एक युवक नेहरूलाल मैत्री पिता फंकट मैत्री ने पीछे आकर टंगिया से हमला कर फरार हो गया। महिला कमांडो ने डायल 112 में तत्काल सूचना दी, साथ ही डबरा थाना प्रभारी को भी सूचना दी गई। थाना प्रभारी व 112 की टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घायल महिलाओं को 108 की मदद से डबरा हॉस्पिटल इलाज हेतु लाया गया, जहां महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। इनमें से एक महिला के पीठ में टांगी से वार किया गया, दूसरी महिला को 2-3 जगह टांगी से वार किया गया है, जिससे महिला के कमर, गर्दन व सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल डबरा पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। खबर लिखे जाने तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाया था। मोर नाम बीना मैत्री है, मैं कुटीडी के हूँ, गांव कुटीडी के कमांडो टीम के मैं सचिव हूँ। कल जो घटना हुई से हमारे यहाँ तो वही रोज की तरह हमन कमांडो टीम मन निकल थन, रात के गांव में पूरा घूम थन, तो रोज की तरह कल भी निकले हमन और घूम के आके हमेशा की तरह चबूतरा में थोड़ा बैठ थन सब कोई। फिर वैसे बैठे रहें तो वो लड़का तो यही अंगले गीत घूम के और दारू लाबो एक बोतल दो बोतल ऐसे कर, फिर हमारे सामने में भी बोली, जैसे बोली अध्यक्ष हतीस ने तो हमन कुछ नहीं बोले। तोर घर के लखा था, तोर बाप के लपिया था, तोर घर अंदर कुछ कर, तोर पर्सनल मेटारे घर में हमन कुछ नहीं बोलन करके। ओकर बाद फिर वापस आ गए, फिर हम अल्लाह बोली, फिर भी कुछ नहीं बोले हमन। एक बार फिर आ गए वो और फिर आए के बाद हमारा गाली गलौज करीस, काबर तुमन रोज घूम था हमन ताश खेल थन तेल तुमन बंद करवाए हा, वीडियो बनाए हा, वायरल करे हा ग्रुप में तुम्हार और तुम्हार एकदम गंदा गंदा गाली गलौज करीस कमांडो टीम ला। और पहले भी और गंदा गंदा गाली गलौज कर चुके रही हमन सरपंच महोदय ला बता चुके हैं ला, तो समझाए रही सरपंच महोदय, फिर भी यहाँ ना कल फूल पिए रही सब उसने पूरा गंदा गंदा गाली एकदम गंदा। तो अब गंदा गाली ला सुन के महिला कोई तो कुछ बोल ही, तो कुछ महिला मन बोली तो ओतका में तुमन मोला मारिया, तुमन मारिया करके सामने, तो हमन कोई लमारन पिटन नहीं समझा था ना हमन ऐसे बोलें, तो तुमन नहीं मारा तो कैसे माथे में मारिया करके टांगी लेके वही पूरा ला के वारिज कर दी से पीछे से। फिर हमन 108 गाड़ी ला फोन करें, 112 ला फोन करें, फिर सरपंच महोदय ला फोन करें, सब आ गिन फोन करें जैसे ही उसने। और फिर तहाँ फिर कार्रवाई वो शुरू हुई से खोजिन पुलिस मन भी घर जाके ओला, तो घर जाके खोजिन तो नहीं मिली, भाग गए रहीस। मोर नाम बिरस मैत्री है, ग्राम पुटीडी है, हमन रोज कमांडो टीम बनाए हन, रोज हमन शाम के निकल थन और कोई गड़बड़ गुंडा करते हाथे मन ला हमन पकड़ थन और समझा थन। तहाँ हमन ला सड़क में देखिन तो 2-4 झी लड़का रहिन ते मन कहिन हमन और 2-4 बाटल दारू लानबो, तहन हमन नहीं सुनें चुपचाप चल दें सुन के चबूतरा में बैठेन। तहाँ नेहरू मैत्री हर ओकर घर वाली लेके आ गिस और तहाँ वह कहिस हमर काय करी है दारू पिए हैं, कुछ करना है तो कर ला, तो हमन कहें तोर बाप के ला पिया था समन कुछ नहीं करन। तहाँ ले ओकर घर वाली ला ले गिस है, तहाँ फिर ओहर दोबारा फिर ओहर दारू पिएगी से, तहाँ ले वहाँ ले आई से तो हमन ओकर मुँहटा समझा देबो और घर जाबो कहें, तो पहुँचे रहें और वो बुलाए हैं ओकर घर वाली है निकली से और कहे के चालू से निकल रहें और आ गई से, तहाँ ले तुमन हमार घर आए है कही तो हमन घर नहीं पेले हैं हमन बाहर में हन कहें, तहाँ ले ओतका टंगली में मारियाँ कहाँ है रे कही सब घर अंदर चल दिसे, तो हमन एकर कर बहस नहीं करन का के हमन घर आत रहें, तो हाले वह टंगले में वारेज कर दिसे पीछू में रहिन महिला ते मतलब दू झल मारी दिसे। कल रात्रि 8 बजे का घटना है, महिला कमांडो के टीम गांव में कानून व्यवस्था के लिए घूम रहे थे, उसी समय गांव का एक शराबी आदमी है मेहरूलाल मैत्री पिता फंकट राम मैत्री, इसने शराब पीकर कि आप लोग कौन होते हो गांव में घूमने वाले और हमको दारू पीने से और जुआ खेलने से मना करते हो, हम अपने बाप के पैसा से दारू पीते हैं जुआ खेलते हैं,
आप लोग मना करने वाले कौन हो कहते हुए गंदी गंदी गाली गलौज कर घर से टांगी निकाल कर महिला श्रीमती सुरैया साहू और श्रीमती सेवती साहू को जान सहित मारने की नियत से इसके गर्दन के पास हमला किए और गंभीर चोट पहुंचाए हैं। सूचना पर तत्काल वहां रवाना होकर आहतों को हॉस्पिटल भिजवाए और आरोपी का पता साझी किए। आरोपी तत्काल घटना कारित करके फरार हो गया है। प्रार्थी श्रीमती सुरैया साहू की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 161 धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। अगर आप रोज रोज नए नए अंचल के समाचार को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल JX न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।